रायपुर से खबर मिल रही है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। जी हां, कल भी राजनांदगांव के दौरे पर थे और एक बार फिर उनका दौरा हो सकता है। 20 अक्टूबर को बस्तर संभाग के दौरे पर अमित शाह आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बस्तर संभाग के जगदलपुर में दौरा करेंगे, कोंडा गांव में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये भी आपको बता दें कि बस्तर संभाग में दो फेज में चुनाव, जी हां, छत्तीसगढ़ में दो फेज में चुनाव होने हैं और बस्तर संभाग जो है वहां पर दूसरे फेज में चुनाव होने हैं और यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए, चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए अमित शाह 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। रायपुर से ही खबर बता दी कि जहां जशपुर विधानसभा प्रत्याशी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना खत्म कर दिया है। जशपुर प्रत्याशी राय मुनि भगत का विरोध यहां हुआ था। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत को प्रत्याशी घोषित करने की मांग यहां पर लोग कर रहे थे और इसी के चलते ये पूरा प्रदर्शन यहां पर चल रहा था, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। तो धरना यहां पर चल रहा था भाजपा प्रत्याशी को लेकर, लेकिन यहां पर प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पूर्व मंत्री रहे गणेश राम भगत को प्रत्याशी घोषित करने की मांग यहां पर स्थानीय जो कार्यकर्ता है भाजपा के वो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनको प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का आश्वासन मिला उसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया।